Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ कि वो सबसे कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है सत्येंद्र जैन। उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, पर कोई बात नहीं, ईडी जांच करना चाहती है कर ले, सारी जांच से साफ सुथरे निकल के आएंगे। और वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जिस पे देश को गर्व होना चाहिए। उन्होंने देश को एक मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया जिसको देश नहीं पूरी दुनिया से लोग देखने आ रहे हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल देखने के लिए आए, स्वीडन के पूर्व मुख्यमंत्री देखने के लिए आए, पूरी दुनिया के लोग मोहल्ला क्लिनिक देखने आ रहे हैं। उन्होंने दिल्ली को एक ऐसा स्वास्थ्य का मॉडल दिया, हेल्थ का मॉडल दिया कि सबका इलाज फ्री हो रहा है अब दिल्ली के अंदर, सारी दवाइयां सब। उन्हें तो मुझे लगता है कि पद्म भूषण, पद्म जो भी सबसे टॉप है, पद्म विभूषण देना चाहिए, तो जो भी है। लेकिन वो ईडी वाले कर ले, सारे लोग जांच कर ले उनकी, सीबीआई ने और इनकम टैक्स ने तो जांच कर ली, उन्होंने तो पाया कि भाई सत्येंद्र जैन पाक साफ है। ईडी वाले और जांच कर ले, वो ठीक निकलेंगे। थैंक यू। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Voter Story and support independent, robust journalism.